हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाले हम कैरेमल पुडिंग, वो भी एकदम इजी तरीके से। कैरेमल पुडिंग होता है या फिर कैरेमल कस्टर्ड होता है? एक ही बात होती है। देखो मैंने ना ये जो आज हम बनाने वाले ना 2 से 3 दिन पहले अपने घर पे ही बनाए थे, तो मैं बहुत मस्त बना, मैं बोली ये है कैरेमल पुडिंग, मैं ना चैनल पे बनाओगे, मतलब पुडिंग नहीं अम्मी कस्टर्ड है। हमारे ज्यादातर रेस्टोरेंट में ना वो कैरेमल कस्टर्ड उसे बोलते हैं, लेकिन अम्मी बोलते हैं कि नहीं वो कैरेमल पुडिंग है। अरे बाबा बहुत से लोग है ना पुडिंग और कस्टर्ड एक ही चीज को बोलते हैं। तो भाई आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आज जो रेसिपी बनने वाली है इसको कैरेमल कस्टर्ड बोलते हैं या फिर पुडिंग बोलते हैं, अम्मी का बोलना है कि ये है पुडिंग। तो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि आज अम्मी कैरेमल पुडिंग बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो तो सबसे पहले लेंगे हम अंडे, शक्कर, दूध, ब्रेड, वनीला एसेंस। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्ला करके। तो कैरेमल पुडिंग बना रहे हैं तो सबसे पहला तो कैरेमल ही बनता है ना बनाना। तो हम यहाँ डाल देंगे 4 चम्मच शक्कर, ठीक है। मैं यहाँ पर पानी वगैरह कुछ भी यूज नहीं करूंगी, इसी तरीके से इसको हिलाते हिलाते पिघल जाएगा ये बिल्कुल बिना पानी के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी शक्कर अच्छे से पिघलने शुरू हो गई है, अब हम इसको हिला लेंगे नहीं तो ये जल जाएगी, ठीक है। मीडियम गैस रखना और इसको हिलाते रहना, ये ज़्यादा जल भी जाएगी तो कड़वी लगती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कैरेमल तैयार कर लिया, इससे ज़्यादा बन जाएगा तो फिर वो कड़वा लगने लगता है। और कैरेमल अगर बनाने खड़े हैं तो सबसे पहले वो बर्तन रेडी कर लेना जिसमें हमको पुडिंग बनाना है। तो यहाँ पर मैंने टोप रेडी रखी हूँ मेरा, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसको इसमें पलटी कर लेंगे। चार चम्मच शक्कर। इसको आराम से पूरी तरह फैला लेंगे हम ताकि ये चारों तरफ फैल जाए। तो यहाँ पर हमने कैरेमल अच्छे से डाल के इसको फैला दिए हैं, अब हम रख देंगे इसको ठंडा होने के लिए एक साइड में, ठीक है। अब आ जाएंगे हम ब्रेड पे। तो यहाँ पे मैंने 5 ब्रेड ली हूँ। अब हमने 5 ब्रेड इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं इसका साइड का हिस्सा कट कर रही हूँ। ये अगर आप नहीं कट करना चाहते, डायरेक्ट ही बनाना चाहते हैं साइड के हिस्से के साथ, तो आप सिर्फ 4 ब्रेड लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने साइड का हिस्सा कट कर ली हूँ, अब क्या करेंगे हम इसको कट कर लेंगे। तो जिस तरीके से हमने पीस कर लिए हैं, अब क्या करेंगे हम 1.5 बाटी दूध लेंगे और एक बाउल में डाल देंगे। 1.5 बाटी फिर भी कितना रहेगा? हमारे चाय का कप आता है ना, चाय का कप तो हर किसी के घर में होता है ना, 2 कप ले लेना भर के दूध, ठीक है। इसमें हम डाल देंगे ये ब्रेड जो कट करके रखे हैं, ठीक है। इसको भीगने देंगे 1-2 मिनट के लिए, ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये तो हमारी बिल्ली लोग का खाना है। थोड़े देर के लिए हम भी बिल्ली बन जाएंगे ना। तो इसको अच्छे से अंदर डुबा देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो हमारे ब्रेड अच्छे से भीग रहे हैं, जब तक हम क्या करेंगे अंडे ले लेंगे। यहाँ पे मैं अंडों को फोड़ के एक बाउल में पहले निकाल लूंगी ताकि ये खराब है या अच्छे है वो चेक कर लेंगे, है ना। अब ये डालेंगे हमारे मिक्सर में, इसी तरीके से मैं तीनों अंडे चेक करके मिक्सर में डाल दूंगी। कभी कभी मुर्गी का बच्चा निकल जाता ना। खराब हो जाता है कभी अंडा। तो यहाँ पे माशाल्लाह 3 अंडे अच्छे निकले हैं। अभी यहाँ पे मैं मिक्सर में पीस रही, आपके पास अगर विस्कर रहता है तो आप उससे भी पीस सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/2 बाटी शक्कर ली थी, ये भी हम इसके साथ डाल देंगे। शक्कर देखो मीठा कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप लोग ले सकते हैं जितना मीठा खाते हैं। तो मैं क्या करूँगी इसको अभी एकदम अच्छे से बारीक पीस लूँगी अंडे ग्राइंड कर लूँगी ताकि शक्कर और अंडा अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से शक्कर और अंडे मैंने अच्छे से पीस ली हूँ, अब क्या करेंगे हम इसको एक बॉल में निकाल लेंगे। यहाँ पे शक्कर भी आप अक्खी लेने की यानी कि पीसी भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके साथ ही पीस जाता है ना।
अब क्या करेंगे हम, इसको रखेंगे साइड में, और हमने जो ब्रेड लिए थे ना भिगाने के लिए रखे थे, इसको भी अभी डालेंगे हम ये मिक्सर की वाटी में। ये भी पीस लेंगे, इसको भी अच्छे से पीस लेंगे वही अंडे वाले मिक्सर में। तो यहाँ पे हमने ब्रेड को भी अच्छे से बारीक कर लिए है, दिख रहा ब्रेड दिख रहा ही नहीं है इसमें, है ना, पूरा दूध दिख रहा है। अब हम इसको भी ये अंडे में मिला देंगे, अंडे और शक्कर में। हाँ वही अंडे और शक्कर के मिक्सर में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच वनीला एसेंस। मेरा चम्मच बड़ा है इसके लिए मैं आधा ले रही हूँ, अगर आप छोटे टीस्पून से लेंगे तो एक भर के लेना, और दो बूंद एक्स्ट्रा गिरा देंगे। हाँ चलता है, उससे कोई खराब नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने कैरेमल बना के रखे थे ना, तो इसके अंदर अब अच्छे से डाल देंगे, ठीक है। लेकिन हम डालेंगे इसको छान के। क्यों मैसा? बिस्मिल्लाह। कभी अंदर बड़े बड़े जो टुकड़े आते हैं या कुछ आ जाते हैं तो वो छन जाए अच्छे से, ब्रेड का टुकड़ा। हाँ हमको पुडिंग एकदम मुलायम एकदम स्मूथ चाहिए ना, इसके लिए। मुलायम तो मेरा दोस्त है। अच्छा देखे, थोड़ा थोड़ा सा जो ब्रेड रह जाता है ना वो ऐसा निकल जाए। ये तो खोआ बन गया मैं। हाँ नकली खोआ, नकली खोआ बोलो कुछ भी बोलो। अब हम यहाँ से इसको आराम से पन्नी से पैक कर लेंगे। ये पेपर मम्मी? हाँ। पन्नी नहीं, कोयल पेपर क्या बोलते हैं इसको। हाँ एकदम सही बोले। हाँ यहाँ पे मैं इसको अच्छे से ढक दूंगी। यहाँ पर देखो मेरा टोप ना नीचे जो उसका तलिया है वो बहुत मोटा है, तो यहाँ पर मैं इसको अभी स्टीम करने रखूंगी ना, तो पूरा 30 से 35 मिनट तक रखेंगे। 30 मिनट में एक बार चेक कर लेंगे, अगर आपका पेंदा टोप का पतला है टोप का ना पतला है तो आप 20 से 25 मिनट में जरूर चेक कर लेना, बर्तन के ऊपर भी डिपेंड करता है पकना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, हमने यहाँ पे हमारा जो ओवन है छोटा सा उसको रेडी कर लिए है, जैसा कि यहाँ पे मैंने एक अंदर स्टैंड रख दी हूँ और थोड़ा सा पानी रख दी हूँ। एमसी स्टैंड वो तो बिग बॉस में आराम कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको बहुत इजीली अंदर रख देंगे, या आप कुकर में एक टिफिन के डब्बे में बना लीजिए, आप कुकर के अंदर जो बर्तन बैठ सकता है सेट हो सकता है वो बर्तन ले लीजिए और उसके अंदर कर लीजिए ये सब। अब क्या करेंगे हम, इसको ढक के मीडियम फ्लेम पे आराम से 30 मिनट के बाद एक बार चेक करेंगे, ठीक है। तो चलो 30 मिनट हो गए हैं, अब हम देख लेते हैं इसको खोल के, बन गया तो अच्छा है, नहीं बना तो हम 5 मिनट और बनाएंगे, ठीक है ना। मैंने बोली हूँ आपको कि बर्तन का रहता है थोड़ा प्रॉब्लम, पतला जाड़ा। ये ऐसा निकाल लेंगे? नहीं हमारा हाथ जलेगा ना, यहाँ से हमको जगह नहीं है ना पन्नी निकालने के लिए। वाह 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 वा। तो यहाँ पे हमने पन्नी को फेंक दिए निकाल के। तो माशाल्लाह ये पक चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस करेंगे बंद और इसको आराम से निकाल लेंगे। आराम से निकालो मैं, एकदम आराम से बेटा। ये इस तरीके से हमने निकाल लिए हैं। अब हम इसको 2 मिनट यहाँ ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको मैं रख दूंगी 1 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर, ठीक है। अगर जिसके पास फ्रिज नहीं है, एक थाल में ठंडा पानी डाल के उसमें ये टोप रख देना, 2 घंटे के लिए छोड़ देना, ठीक है। चलो 1 घंटे के बाद मिलते। तो चलो 1 घंटा हो गया है, हमने फ्रिज में रखे थे इसको, और एक नींद भी मार लिए। नहीं नहीं सोए नहीं, बिल्कुल नहीं सोए। तो यहाँ पे ये अच्छे से सेट हो गया है, ठंडा हो गया है। अब क्या करेंगे हम, इसको जरा छुरी से एक साइड इसका निकाल लेंगे, है ना। ये होता है रिक्स वाला काम। हाँ अच्छा, इसको कभी भी ये सब काम से बहुत ये डरता है।
सही बात है ना, पूरी रेसिपी बनने के बाद यहाँ जाके हो जाती है खराब, मतलब डर डर रहता है खराब, डर। तो ये हम अच्छे से अलग कर लिए इसको। अब हम इसको खून नहीं कर रहा है, अरे खून नहीं उसको छुरी लग गई, देख खून निकल रहा है। अब क्या करेंगे हम इसको पलटी करेंगे, वो कैरमल था समझा, उठा के पटक दे। तो ये एक साइड निकल गया है, ठीक है, मस्त एक नंबर। ये थोड़ा सा साइज में 2 से 4 इंच और बड़ा हो सकता है अगर आपका बर्तन छोटा हो, हमारा टोप बड़ा था तो ये साइज में इतना बना है, लेकिन मस्त एक नंबर। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ, ठीक है ना, एकदम परफेक्ट पुडिंग बनी मम्मी, परफेक्ट कैरामल कस्टर्ड। अब बोला ना कस्टर्ड पुडिंग नहीं कस्टर्ड, ये कस्टर्ड ही मम्मी। अच्छा मेरे बाप, जो तू बोल ठीक है, जो तू बोलेगा। ये मस्त ना तैयार हो गया, तैयार हो गया है। हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इसको खाने के लिए, एक नंबर। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना कैरमल क्या पुडिंग। तो भाई तुम लोग बताना है कि ये कैरमल पुडिंग है या कैरमल कस्टर्ड। देखो ये जो भी है, ये जो भी है मुझे ना बहुत पसंद है ये, तो ये जितना भी देते ना उतना कम है मेरे लिए। तो देखो ना आज मम्मी ने क्या बनाया है, एकदम परफेक्ट कैरमल पुडिंग बोल सकते हैं ना, बनती जैसी है, सेम बनाया। ऐसा नहीं है एक किस्म की बनती है, बहुत किस्म की बनती है। घर में जो बनाया था ना 2 दिन पहले, उससे अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पे स्पेशली बना था, स्ट्रीट फूड जगह की बात चल गया। ओहो देखो यार एकदम मस्त, क्या बात है, कट भी एकदम ऐसा सॉफ्ट है वो। वाओ वाओ वाओ, मीठा बोले तो खाने के बाद ये मिल जाएगा तो मजा आ जाता। ओहो देखो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, देख रहे रुको ये मेरे को खिलाता हूँ। दिखा क्या, आओ बिस्मिल्लाह। वाओ न्यू ईयर की शुरुआत नंबर वन मीठे से करने का नहीं, शायद ये वीडियो अपना 2, 3, 4 तारीख को भी जा सकता है, दो भी जनवरी का पूरा महीना न्यू ईयर का ही रहता है हमारा। चार सामान में है, बस थोड़ा मेजरमेंट का ख्याल रखने का। अगर आप ब्रेड बढ़ा रहे हैं, मैंने तो देखो ये 5 ब्रेड ली हूँ जिसके साइड के हिस्से कट कर ली हूँ। अगर आप 4 ब्रेड लेंगे तो साइड के हिस्से मत कट करना, और छोटे ब्रेड लिए हमने भी बोल दो, बड़े नहीं, ब्रेड लिए नहीं, बड़े ब्रेड जो आते हैं ना, बड़े ब्रेड चम्पू ब्रेड नहीं, हाँ सैंडविच ब्रेड नहीं, जो सबसे बड़ा आता है वो वाले ब्रेड नहीं, जो हमेशा हम लोकल ब्रेड लेके खाते हैं ना वो वाले बड़े ब्रेड, क्योंकि लोकल में भी बड़ा छोटा 2 आता है। तो वो वाले ब्रेड मैंने ली हूँ 5 पीस, जिसके मैंने साइड कट करके ली हूँ। अगर आपको साइड नहीं कट करना है तो फिर बोल रही हूँ सिर्फ 4 ही लेना, क्योंकि फिर मेजरमेंट आपका ऊपर नीचे हो जाएगा। मत भाई, और 3 अंडे ली हूँ। और अगर आप ब्रेड बढ़ाते हैं तो अंडे भी साथ में बढ़ाना, थोड़ी शक्कर भी बढ़ाना और थोड़ा सा दूध भी बढ़ाना, आपको सब बड़ा बढ़ा के डालना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे देखो कारना में चालू है, देख रहे ना कितना सॉफ्ट है, मैं बता रहा था काट के। अच्छा काट के बता रहा था, देखिए काट के बता रहा था, खाने के लिए तो नहीं ले रहा था, काट लिया तो खा भी ले दो। और हाँ मैं बता दूं कि हमारा जो टोप है ये बहुत मोटा है, पेंदा टोप का बहुत मोटा है माशाल्लाह, अच्छा हैवी है, इसलिए मुझे पूरा 30 से 32 मिनट के बाद मैंने इसको खोली चेक करने के लिए। और मैं जब घर में बनाती हूँ नॉर्मली नीचे, तो जो छोटा बर्तन है मेरा वो जरा सा पतला है, तो उसमें 25 मिनट में बन जाता है। इसके लिए मैं आप लोगों को बोली कि ना बर्तन पे भी कितना देर पकेगा कितना देर नहीं पकेगा, इसके लिए ये भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपका पतला है बर्तन तो आप 25 मिनट में इसको खोल के चेक कर सकते हैं, अगर आपका मोटा है बर्तन तो आप इसको 30 मिनट से ज्यादा बना। डिफ्रीजर में नहीं रखे थे ना, नीचे रखे थे? हाँ डिफ्रीजर में नहीं रखी थी, नॉर्मल फ्रिज में रखी थी नीचे, सिर्फ 1 घंटे के लिए। अगर मैं वो भी बताऊं कि जिसके पास फ्रिज नहीं है, एकदम ठंडा पानी
आप मटके का थाल में डाल दीजिए और ये टोप को उसमें रख के मटका भी नहीं है। जिसके पास मटका नहीं है नॉर्मल तो हंडा तो होगा, वो भी नॉर्मल पानी में भी आप 2 घंटा रख के टोप को छोड़ दो। ये डिश दोनों हो गई है, पकी भी है और फ्रिज में भी रुकी हुई है। हाँ। तो भाई ध्यान से आप नहीं है तो नॉर्मल भी पका सकते हैं। हाँ। सब मैं बता दी आपको, बिना फ्रिज के भी सेट हो जाता है। देखो रेसिपी एकदम इजी है, बस प्रोसेस पे ध्यान देने वाली बात है ना। अरे हाँ, केक नहीं है, किसके पास बर्थडे में भी पुडिंग कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छा, हमने हमारी भाभी के टाइम पे, भाभी का बर्थडे था, लॉकडाउन था, सब दुकानें बंद थी, तो हमने घर में ये ऐसी पुडिंग बना के उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। हम लोग ने ना केक वेक ऑर्डर नहीं जा रहा था, आ रहा जा रहा नहीं था सामान वाना, तो हमने उसका बर्थडे आ गया था एकदम ना कोरोना के टाइम पे। कोरोना हमने ना ये एग पुडिंग बनाए थे व्हाइट वाला, जिन्हें आपने बनाए थे। हाँ, और मस्त में उसका केक वेक वो पुडिंग से हमने सेलिब्रेशन करे थे। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर ये कैरेमल पुडिंग की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो फटाक से हमारे वीडियो को लाइक कर दो। जो हमारे चैनल पे नया है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो अब कब करोगे सब्सक्राइब? फटाक से अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और ये केक की जगह पुडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई ज्यादा से ज्यादा इसको केक बन जाएगा, शेयर भी करो क्या इस रेसिपी को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत इजी और परफेक्ट रेसिपी है ना। चलते हैं, प्लीज 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 कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए, सब करो, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर दिया, तो उसको ओपन करो और फॉलो करो। चलते चलो चलते मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना।